हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषा ब्लॉग एंड शॉर्ट पर स्वागत है। और आज का ब्लॉग मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि मैं रात में भैया का वीडियो देखी, नित्या भैया, आप लोग जानते हो नित्या का सपोर्ट जो चैनल है, और मैं उनको डेली वीडियो देखती हूँ उनका। मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और वो अपने फैन से भी, जो उनके सब्सक्राइबर हैं उनसे भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भैया का। तो मैं आपको अभी स्क्रीन के, आपको मेरे बगल स्क्रीन में आपको दिखता होगा कि नित्या भैया का एंगेजमेंट हो गया है। तो जिन लोगों नहीं पता है, मैं बताना भी चाहती हूँ कि भैया का एंगेजमेंट हो गया है, और मैं भैया को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि भैया से मैं मिल तो नहीं सकती, क्योंकि भैया बहुत दूर रहते हैं, और जब कभी कोलकाता आएंगे तो मैं ज़रूर मिलूँगी उनसे, तो मैं मिल तो नहीं सकती इतना दूर, तो इसीलिए मैं यहीं से भैया आपको विश करना चाहती हूँ कि आपका लाइफ बिल्कुल बेटर हो और अच्छा से और भी आगे और अच्छा बीते। तो ये ब्लॉग बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि भैया मैं आपको सिर्फ विश करने के लिए ही ये ब्लॉग बनाई हूँ, क्योंकि मैं आपके पास वहाँ तो आ नहीं सकती हूँ विश करने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपका एंगेजमेंट हो गया है, और एक उम्मीद भी है हमारा कि मुझे आपसे मिलना है भैया, क्योंकि आप सबका सपोर्ट हेल्प करते हो, तो मैं भी सोची कि आप एक दिन हम भी आपसे मिल, क्योंकि बहुत बहुत जो यूट्यूबर जो लोग हैं वो लोग छोटे यूट्यूबर से मिलना ही नहीं चाहते हैं, अगर मिलने भी आते तो ज़रा सा बात करके ही इग्नोर कर देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता फिर दोबारा किसी से मिलने का। तो आपका वीडियो देखते हैं तो बहुत लोग आपसे मिलता है तो आप बहुत अच्छे से अपने घर भी ले जाते हैं और बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि नहीं करते हैं, तो मुझे भी आपसे एक बार मिलना है। हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसा रहे कि आपसे मिले तो ये फीलिंग ना हो कि अजनबी से मिलने गए हैं भैया। तो बस ये ब्लॉग बनाने का मेरा मकसद बहुत यही है कि बस आपसे मिलना है और मुझे आपसे बात करनी है। तो प्लीज़ भैया, अगर आपको ये वीडियो हमारा पहुंचेगा तो कब तक पहुंचेगा कोई ठिकाना नहीं है, आज तक कब पहुंचेगा ये ब्लॉग, पर मैं आपको विश करने के लिए, क्योंकि बहुत बहुत मैं बहुत खुश हूँ भैया कि आपका एंगेजमेंट हो गया है, और अब बताइएगा जल्दी कि शादी कब होने वाला है। तो अगर शादी करना है तो कोलकाता में कीजिएगा तो ठीक रहेगा, हम लोग भी आ पाएंगे छोटे, क्योंकि मैं तो नहीं आ पाती, क्योंकि मेरे दो छोटे बच्चे हैं और बहुत दूर हो जाता है, और इसीलिए भैया हस्बैंड को ऐसे ब्लॉग में आना पसंद वैसे है नहीं, पर मेरे लिए छोटा से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तो वो आते हैं, लेकिन वो उनको इतना अच्छा लगता नहीं है वीडियो बनाना, तो इसलिए उतना दूर वो लेकर हमें जाएंगे भी नहीं और हम जा भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप जब कोलकाता आइएगा तो मैं ज़रूर मिलने आऊँगी, यहाँ तक तो मैं रिक्वेस्ट करके हस्बैंड से आप तक ज़रूर आऊँगी। तो भैया प्लीज़, मैं बहुत खुश हूँ, मैं ब्लॉग में क्या बोलती जा रही हूँ मुझे खुद भी पता है। तो अभी हम लोग मॉर्निंग, मैं रात को आपका वीडियो देखी थी, और भैया का मैं रात में वीडियो देखी तो मैं सोची सुबह मैं भैया को विश करने के लिए एक ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। तो बस ये मैं फटाफट ये ब्लॉग बनाई, और अब मैं सुबह सुबह उठ गई, तो मैं पहले बच्चा को स्कूल छोड़ दी, क्योंकि स्कूल ज़रूरी था, तो मैं पहले उठ के स्कूल ही छोड़ाई जल्दी सा, स्कूल छोड़ना छोड़ के आए हैं। तो अभी देखिए सब्जी भी मिले बैठे हैं काटने उड़ने के लिए, देखिए मैं सब्जी लेके बैठी भी हूँ, अभी बैठ के सब्जी भी काटेंगे, खाना बनाएंगे, फिर बच्चा लोग को लाने स्कूल जाना है, तो इसलिए फटाफट मैं रुचि ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ इसीलिए। तो आप लोग ये बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है, और जिन लोगों को नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो से भी जानिए, और भैया भी आप कम्युनिटी टैब में लगा दिए हैं अपना एंगेजमेंट, और ये बहुत सीक्रेट था, ये वैसे मुझे उधर किसी को पता ही नहीं था कि भैया का एंगेजमेंट हो रहा है, पर भैया सरप्राइज ही कर दी, शॉक कर दी, पर जो भी किए हैं अच्छा लग रहा है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।